और सहयोगी भाई सतीश गौतम जी जो लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीकांत महेश्वरी जी जो क्षेत्र के अध्यक्ष हैं ब्रज क्षेत्र के, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ श्री विवेक सारस्वत जी महानगर अध्यक्ष श्री महेश्वर व्यास, श्री वी एस पाल जी महानगर के अध्यक्ष, श्री विजय बजाज जी उपाध्यक्ष, श्री की ये थी कि कुछ नहीं बदल सकता, सब ऐसा ही चलेगा, सब ऐसा ही चलता है, हमारा देश तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। ये मानसिकता इस देश की थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण मैं जब ये कहता हूं कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री पद की बात नहीं थी, यह भारत की राजनीति की संस्कृति का परिवर्तन हुआ है, इसको हमको समझने की जरूरत है। आज का नरेटिव क्या है, आज का ये बदलाव आया है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया की महाशक्ति बन रहे हैं, हमारा स्थान दुनिया में खड़ा हुआ है। और ये भी क्यों नहीं होगा, ये भी जरूर होगा, वो भी जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, आज यह प्रश्न खड़ा होता है। यानी निराशावादी से आशावादी की तरफ आज जनमानस गया है और एक परिवर्तन आया है कि जो हमारे दुनिया में लोग जहां जहां जिस जिस देश में काम कर रहे थे वह कभी अपने आप को पिछलग्गू समझते होंगे, वो आज छाती तान करके बोलते हैं वी आर इंडियंस एंड यस वी हैव अवर प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया की राजनीति में हमारा स्थान। आपने सुना होगा कि ट्रंप ने भी मोदी जी का चुनावी डायलॉग को, चुनावी शब्द को उसने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। क्यों प्रयोग किया, क्यों प्रयोग किया? इसलिए प्रयोग किया कि बदलता देश ऐसा है कि एक समय में अमेरिका तय करता था कि भारत में प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनेगा, और अब समय यह बदल गया है कि भारत के लोग अमेरिका में बैठ करके तय करते हैं कि हमारा राष्ट्र वहां का प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन बनेगा। ये परिवर्तन है, दिस इज चेंज।